भाई आप अगर एक 125 सेगमेंट के अंदर बाइक लेने के लिए प्लान कर रहे हो एंड आपका बजट है लगभग 1,20,000 के आसपास, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि इंडियन टू-व्हीलर मार्केट पे ना आज की डेट पे बहुत सारा 125 सेगमेंट के अंदर बाइक आ चुका है, जिससे आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको एक्चुअल में कौन सी बाइक को लेना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, टॉप 6 125 सेगमेंट के बाइक के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका जो भी डाउट्स है ना वो भाई क्लियर हो जाएगा एंड आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक 125 सेगमेंट के अंदर बाइक लेने के लिए। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 05 राइडर्स एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिस्ट पर नंबर 6 पर आता है बहुत ही बेहतरीन एंड स्टाइलिश बाइक जो कि रेट्रो कैटेगरी के अंदर आता है, QASR 125। बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक 125 सेगमेंट के अंदर बाइक आप परचेस करो, वो भी इतना ज्यादा ऑन रोड प्राइस देकर, क्योंकि इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 1,50,000 देना होगा और इसी प्राइस के अंदर तो भाई बहुत सारा 160 सेगमेंट का बाइक भी आता है। इस लिस्ट के अंदर मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बाइक थोड़ा सा हटके है, लोगों को उतना पता नहीं, क्योंकि 125 सेगमेंट के अंदर एक रेट्रो कैटेगरी की बाइक आपको मिल रहा है बट प्राइस भाई बहुत ही ज्यादा है। अब बात करते हैं ओवरऑल लुक्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो बाइक के अंदर फ्रंट पर आपको एक राउंड शेप टाइप की हेडलैम्प मिल जाता है जो कि रेट्रो कैटेगरी की बाइक है। फ्रंट की जो डिस्प्ले है काफी ज्यादा ब्रॉड है, 300mm का फ्रंट डिस्प्ले मिलता है। रियर पर 230mm का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। बाइक के अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक है बट ABS का कोई ऑप्शन नहीं है। टायर साइज काफी भाई अच्छा है, रियर की जो टायर है 130/70 का टायर है, फ्रंट पर 110/70 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिल जाता है। टायर साइज काफी अच्छा है बट बाइक की जो इंजन है ना भाई पावर बहुत ही ज्यादा कम है। सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वाल्व का इंजन है जहाँ पर ईयर कूलिंग का सपोर्ट है और 5-स्पीड गियरबॉक्स आता है। 10 BHP का पावर है, 8.2 Nm टॉर्क है और आप इस बाइक के अंदर 115 km/h के टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो। 50 km तक माइलेज आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा 1,50,000 देकर 125 सेगमेंट के अंदर आप बाइक को परचेस करो। नंबर 5 पर आता है बजाज का पल्सर 125। पहले ही बता दूं इस बाइक के अंदर काफी सारा अपडेट निकल कर आया है जिसके कारण ये नंबर 5 पर ऐड हुआ है, नहीं तो इसके जगह कोई और बाइक को मैंने ऐड किया होता। तो बात करते हैं इस बाइक के बारे में। सो आप अगर इस बाइक को लेना चाहते हो तो इसका जो लोअर वेरिएंट है, टोटल 3 मॉडल आता है, 1,00,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है ऑन रोड प्राइस। इसका जो हायर वेरिएंट है स्प्लिट सीट के साथ आपको मिलता है 1,20,000 तक इसका ऑन रोड प्राइस जाता है। अब 1,20,000 पे इसका हायर मॉडल आपको मिल जाता है जहाँ पर काफी सारे चीजें जो है न्यूली एड हुआ है, जैसे की जो मीटर कंसोल था भाई फुल्ली डिजिटल हो चुका है, जहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स, नेविगेशन का ऑप्शन, ये सारे फीचर्स एक्चुअल में ऐड हुआ है। आप अपने मोबाइल फोन को ना बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हो बजाज के एप्लीकेशन के थ्रू, जहाँ पर आपकी मोबाइल पर अगर कॉल आता है, SMS आता है, वो पूरा नोटिफिकेशन बाइक की मीटर कंसोल पर आप लोगों को मिल जाएगा। और इस बाइक के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया है एंड यहाँ पर ड्यूल डिस्क ब्रेक तो ऐड नहीं हुआ है बट जो पहले से डिस्क ब्रेक था वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। रियर पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है। टायर साइज में कोई भी चेंजेस नहीं है बट इसका एलॉयज जो था वो थोड़ा सा बदल चुका है। ये देखो पहले वाला एलॉयज एंड ये न्यू अपडेटेड एलॉयज जो कि लाइट वेट किया गया है बाइक को, इसीलिए ये एलॉयज ऐड किया गया है। तो बाइक दिखने में पहले से शानदार था, अभी भी बिल्कुल शानदार ही है बट कुछ ही चीजें यहाँ पर अपडेट हुआ है। अब बात करते हैं बाइक की पावर के बारे में। सो यहाँ पर आपको एक 1.5 cc का बाइक मिल जाता है जो कि सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व का बाइक है जो कि एयर कूल्ड के ऊपर चलता है और यहाँ पर आपको 12 BHP पावर के साथ 11 Nm का टॉर्क मिल जाता है। आप इस बाइक को लेके ना 110 km/h की टॉप स्पीड इजिली अचीव कर सकते हैं। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर 55 से लेके 60 km/h तक का माइलेज भी मिल जाता है एंड सबसे बढ़िया बात बजाज की जो स्पेयर पार्ट का प्राइस होता है ना वो काफी कम रहता है दूसरे बाइक की कंपैरिजन में। नंबर 4 पर आता है TVS राइडर 125। इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे एक टाइम ऐसा था कि नंबर 1 पर 125 सेगमेंट के अंदर सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट बाइक था TVS राइडर, बट आज की डेट पे अगर मैं बात करूँ ना ये नंबर 3 पर एड हो चुका है क्योंकि इस बाइक की बहुत सारा नेगेटिव कमेंट है, लोगों को नेगेटिव ज्यादा आ रहा है इस बाइक के लिए। अब मैं बात करूं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर आपको इसका अगर सबसे हायर मॉडल लेना है तब जाके 1,25,000 ऑन रोड प्राइस आपको देना होगा, तभी जाके इसका जो स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट है यानी कि इस बाइक का सबसे हायर मॉडल आपको मिल सकता है। बात कीजिए पावर के बारे में, तो इस बाइक के अंदर पावर तो ठीक ठाक है यानी कि एक 125 सेगमेंट का बाइक है जहाँ पर एयर एंड ऑयल कूल पर चलने वाला इंजन है, काफी रिफाइन इंजन है। माइलेज भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, 55 से लेके 60 km/h तक माइलेज आपको इजिली मिल जाता है।
आता है। और पावर की अगर मैं बात करूं तो 11.5 bhp पावर के साथ 11.3 nm का टॉर्क मिलता है, जिसके कारण 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप इजीली अचीव कर सकते हो इस बाइक के अंदर। अब बात करते हैं इस बाइक के डिजिटल मीटर कंसोल के बारे में। इसका जो हायर मॉडल है यानी कि स्मार्ट कनेक्ट वेरियंट, जहां पर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, गियर पोजिशन इंडिकेटर, असिस्टेंट का टॉप सेंसर, ये सारे फीचर्स आपको डिजिटल मीटर कंसोल पर ही शो होता है। यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। बट इस बाइक की जो सबसे बढ़िया नेगेटिव पॉइंट है ना, जिसके कारण नंबर 3 पर ऐड हुआ है, वो है इस बाइक का वजन, टायर साइज एंड ब्रेकिंग सिस्टम। क्योंकि इस बाइक को लेके जब आप हाईवे पे जाते हो ना भाई, आपको एक्चुअल में लगता है कि इस बाइक की वजन थोड़ा और होना चाहिए। और इस बाइक की टायर साइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो 125,000 के अंदर आज के रेट पे और भी 125 सेगमेंट का बाइक है जहां पर टायर साइज काफी फैट दिया जा रहा है। बट यहां पर आपको ना फ्रंट पर 100x80 सेक्शन का टायर दिया जा रहा है, रियर पर 90x100 सेक्शन का टायर दिया जा रहा है। बहुत ही पतला टायर है और बाइक के अंदर ड्यूअल डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलता है, आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है और यहाँ पर ABS का भी कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 3 पर आता है बजाज का पल्सर N125 एंड ये एक बिल्कुल फ्रेश 125 सेगमेंट के अंदर आने वाला बाइक है, जिसका लुक थोड़ा सा अलग टाइप का है बट लोगों को ना उतना खास पसंद नहीं है इस बाइक के बारे में। बट बात करते हैं इस बाइक का ऑन रोड प्राइस, तो टोटल 2 मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे। एक है इस बाइक का जो है डिस्क ब्रेक के साथ LED इंडिकेटर्स एंड दूसरा है इस बाइक का LED डिस्क ब्रेक एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स, जिसका जो टॉप मॉडल है इसका ऑन रोड प्राइस है 1,15,000। अब बात करते हैं 1,15,000 के अंदर आपको एक्चुअल में क्या क्या मिलता है इस बाइक के अंदर। सो बाइक के अंदर आता है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व के इंजन, जहां पर 12 का पावर है, 11 nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। और इस बाइक की फ्रंट पर 240 mm का डिस्क ब्रेक आता है, रियर पर आता है दोस्तों ड्रम ब्रेक का ऑप्शन, मतलब यहाँ पर कोई भी ABS का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर पर आपको LED टेल लैंप, LED इंडिकेटर्स, LED हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है। बाइक के अंदर डिजिटल मीटर कंसोल आता है, जहां पर ब्लूटूथ नेविगेशन का ऑप्शन के साथ साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर, असिस्टेंट का टॉप सेंसर और भी जो बेसिक फीचर्स होता है वो आपको दिया जा रहा है। और इस बाइक के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन आता है। बाइक के अंदर आता है 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक और इस बाइक के अंदर आपको 115 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड आप अचीव कर सकते हो एंड 50 से लेकर 60 km तक माइलेज इजीली आपको मिल जाएगा। बात किया जाए इस बाइक के टायर साइज के बारे में, भाई बहुत ही ज्यादा पतला टायर यूज किया गया है। फ्रंट पर 80x100 सेक्शन का टायर, रियर पर 100x90 सेक्शन का टायर, जो कि काफी ज्यादा पतला है। और इस बाइक के अंदर जो सबसे बढ़िया फीचर्स मुझे लगा वो है भाई डिजिटल मीटर कंसोल, USB चार्जिंग पोर्ट एंड 12 bhp का पावर। आपको ये बाइक कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2 पर आता है बजाज का पल्सर NS125। इंडियन टूलर मार्केट पे अभी तक जितना भी 125 सेगमेंट के बाइक के बारे में मैंने आपको बताया, इस लिस्ट के अंदर सबसे ब्रॉड दिखने वाला NS125 भी है, जो कि 125 सेगमेंट के अंदर आता है और ये NS सीरीज से बिलोंग करता है। और जो जो अपडेट इस बाइक के अंदर हुआ है ना, उसके बाद एक्चुअल में नंबर 2 ही डिजर्व करता है, क्योंकि इस बाइक की एलॉयज भी बदल चुका है, टायर साइज बदल चुका है और भी जो भी चीजें था वो बदल चुका है। जैसे कि देखो इस बाइक की जो एलॉयज था पहले कुछ ऐसा दिखता था जो कि काफी ज्यादा मैस्कुलर लगता था, बट अभी जो एलॉयज बदल चुका है लाइट वेट रखने के लिए बाइक को। अब बात करते हैं टायर साइज के बारे में, तो NS में ना एक्चुअल में टायर साइज चेंज होना बहुत ही ज्यादा जरूरत हो चुका था। देखो पहले टायर साइज आता था 80x100 की फ्रंट एंड 100x80 का रियर, बट अभी के लिए जो टायर साइज आपको दिया जा रहा है NS125 के अंदर, वो फ्रंट पर 90x90 सेक्शन का टायर, रियर पर 120x80 सेक्शन का टायर। इससे क्या होता है, बाइक की जो लुक्स है ना वो और भी ज्यादा मैस्कुलर दिख रहा है, ब्रॉड लग रहा है बाइक को देखने में। पहले से एक 125 सेगमेंट का बाइक है, जिसे आपको देख के लगेगा नहीं कि एक 125 सेगमेंट का बाइक है। और मैं बात करूं इस बाइक की पावर के बारे में, तो अभी तक जो भी बाइक के बारे में मैंने आपको बताया ना, सभी बाइक आता था 2 वाल्व के साथ। NS125 एक ऐसा बाइक है जहां पर आपको 4 स्ट्रोक 4 वाल्व वाला इंजन मिलता है, 125 सेगमेंट का इंजन जो एयर कूल पे चलता है, जहां पर 12 bhp पावर मिलता है 11 nm का टॉर्क के साथ, 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आता है। तो इन सभी पावर के साथ आप इस बाइक को लेके 117 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी अचीव कर सकते। और माइलेज की अगर मैं बात करूं ना, जो NS यूज करता है उनको जाकर पूछिए, 55 से लेके 60 km तक माइलेज इजीली मिल जाता है इस बाइक के अंदर। और बाइक के अंदर डिजिटल मीटर कंसोल आता है, जहां पर ब्लूटूथ नेविगेशन का ऑप्शन, गियर पोजीशन इंडिकेटर, असिस्टेंट का टॉप सेंसर और
भी जो बेसिक फीचर्स होता है सब कुछ आपको दिया जा रहा है। इवन इसी बाइक के अंदर ना आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन आता है, फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर पर आपको अभी के लिए तो आपको ड्रम ब्रेक दिया जा रहा है। आई होप इन फ्यूचर रियर पर भी डिस्क ब्रेक को ऐड कर दिया जाए। एंड यहाँ पर ABS का सिर्फ कमियां है, इसीलिए इस बाइक को मैंने नंबर 2 पर रखा है। अगर यहाँ पर ABS भी आ जाता ना तब जाके भाई ये नंबर 1 पर रहता, क्योंकि बाइक के लुक्स बहुत अच्छा है, पावर अच्छा है, फीचर्स अच्छा है, टॉप स्पीड माइलेज हर एक चीज में NS125 बेटर है। फाइनली नंबर 1 पर आता है हीरो एक्सट्रीम 125R। इंडियन टूलर मार्केट पे और भी 125 सेगमेंट का बाइक है इसी प्राइस रेंज के अंदर, बट यही एक ऐसा पहला बाइक है जहां पर ABS का ऑप्शन मिलता है। और आप अगर इस बाइक के लिए जानना चाहते हो तो मैं आपको पहले बता दूं, इसका 2 मॉडल आता है इंडियन टूलर मार्केट पे, फर्स्ट होता है IBS एंड दूसरा ABS। आप अगर इसका IBS वाला वेरिएंट लेना चाहते हो तब जाके 120,000 तक आपको ऑन रोड प्राइस देना होगा, बट आप अगर ABS वाला लेना चाहते हो तब जाके आपको 125,000 रुपीज आपको देना होगा। अब बात करते हैं इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको इस बाइक के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा बाइक है जहां पर पावर माइलेज की कोई कमियां महसूस नहीं होगा, जैसे कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व की इंजन है, जहां पर पावर की अगर मैं बात करूं तो 11.5 BHP पावर के साथ आपको यहां पर 10.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है, मतलब पावर भी ठीक ठाक है। और टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 117 km/h की टॉप स्पीड आपको इसी बाइक के अंदर देखने को भी मिल जाता है। सबसे बढ़िया भाई माइलेज की अगर मैं बात करूं ना तो भाई सबसे ज्यादा माइलेज आपको यहां पर मिलता है 125 सेगमेंट के अंदर इस लिस्ट के अंदर, वह 66 km/h तक माइलेज आपको हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर से देखने को मिल जाता है। ऊपर से बाइक की टायर साइज को लेके भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, फ्रंट पर 90x90 सेक्शन का टायर, वही रियर पर 120x80 सेक्शन का टायर, रियर पर डिस्क ब्रेक नहीं आता है, फ्रंट पर डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन है। बाइक के अंदर जितनी भी आपको लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है वो LED के साथ आता है। फिलहाल इसी बाइक के अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल भी मिलता है जहां पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स है, और भी बेसिक फीचर्स जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, असिस्टेंट का टॉप सेंसर, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि बढ़िया ऑप्शन मुझे लगा। और बाइक दिखने में आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि 125 सेगमेंट का बाइक है, बहुत ही मैस्कुलर है, बहुत ही स्टाइलिश है, इसीलिए इस बाइक को नंबर 1 पर रखा गया है। और आज की डेट पे नंबर 1 और नंबर 2 पर NS एंड हीरो एक्सट्रीम 125 भी आता है। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।